अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोथेरेपी का एक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस वाला। अब इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस होते क्या हैं? जब भी एक मसल के ऊपर इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई होता है और जो उस मसल का रिस्पॉन्स होता है ना, उसको हम यहाँ पर कह रहे होते हैं दीज आर द इलेक्ट्रिकल रिएक्शन, मसल रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। मसल के साथ यहाँ पर नर्व का भी एक रिस्पॉन्स, जब उसको स्टिमुलेट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं दीज आर द इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस। अब होता क्या है, नॉर्मली हमारे एक मसल के जो रिएक्शन थे या हमारी नर्व के जो रिएक्शन थे एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन, वो रिएक्शन क्या हो जाते हैं हमारे, ऑल्टर हो जाते हैं इन एनी डिजीज़ और इंजरी। ठीक है, तो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस डिजीज़ में किस तरह से जो हमारे रिएक्शन हैं वो ऑल्टर होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन ऑल्टर होते हैं ये हम लोग का हेल्प करते हैं दो चीज़ों में, नंबर वन डायग्नोसिस में और नंबर टू एक्सटेंट ऑफ लेयर में, क्योंकि हर डिजीज़ में एक अलग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल रिएक्शन मिलता है तो हम इजीली उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं किस टाइप के लेयर हैं और कितनी हद तक वो लेयर जो है वो फैल चुके हैं, वो भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ना हमारे पास क्या होता है, हमारे अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं। अपर न्यूरॉन हम सबको पता है कि कहाँ पर जाते हैं, सीएनएस के अंदर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, हायर सेंटर्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारे लोअर न्यूरॉन्स हैं वो हमारे क्या आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक सिग्नल लेके आते हैं। तो वो कहते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन को तो हम एक्सेस नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के लिए, जबकि हम लोअर मोटर न्यूरॉन और वो भी वो वाले लोअर मोटर न्यूरॉन जो निकल रहे हैं वर्टिबल कैनाल से, ना कि एंटीरियर हॉर्न सेल्स। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स को भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही हम जो है वो उन मोटर न्यूरॉन को एक्सेस कर सकते हैं जो सीएनएस में प्रेजेंट है, बल्कि हम लोग सिर्फ मसल को एक्सेस कर सकते हैं और थोड़े बहुत जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रोड प्लेस करके उनकी स्टिमुलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, जबकि हायर सेंटर्स में प्रेजेंट वालों को हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक बॉडी के नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस जो है वो ऑल्टर हो जाएंगे। सबसे पहले उसमें अपर मोटर न्यूरॉन नहीं है, लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं है, मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर, डीनर्वेशन या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कंडक्शन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से एक मसल की वॉलंटरी पावर या एक मसल के इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, ऑल्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ने हैं अपर मोटर न्यूरॉन लेयर में किस तरह के इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस होते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि अपर मोटर न्यूरॉन को हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो अपर मोटर न्यूरॉन में अगर कोई लेयर हो गया है और वो लेयर इतना है कि उसने हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इफेक्ट नहीं किया, तो हम लोग कहते हैं कि इससे रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम अपर न्यूरॉन्स को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो पहली बात क्या होगी कि नो चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल रिएक्शन। लेकिन वो कहते हैं कि समटाइम्स हमारे जो मसल्स हैं या हमारे जो नर्व्स हैं वो इससे हाइपर एक्साइटेबल बन जाएगी। हाइपर एक्साइटेबल का क्या मतलब है कि अगर थोड़ी सी इंटेंसिटी का करंट भी उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा तो उससे भी क्या कर देगी, रिएक्ट कर देगी। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हमने बताया, कोई इलेक्ट्रिकल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने लोअर मोटर न्यूरॉन्स का इफेक्ट नहीं किया जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो अपर को हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिकल रिएक्शन का उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। लेकिन समटाइम्स हमारी नर्व इटसेल्फ जो है वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाती है कि उसके ऊपर हम थोड़ी सी इंटेंसिटी का करंट भी अप्लाई करते हैं तो उससे भी जो है वो रिस्पॉन्ड कर देती है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन लेयर्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर मेनली दो चीज़ें आती हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल्स और नंबर टू हमारे पेरिफेरल या पेरिफेरल नर्व्स, या तो ये या फिर जो हमारे इंटीरियर हॉर्न सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्व फाइबर्स जो है उनकी इंजरीज कौन कौन सी होती हैं और उनमें किस तरह का रिएक्शन होता है। नंबर वन जो इंजरी है दैट इज न्यूरोप्रेक्सिया, इस ये इसको वो कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर इंजरी है जिसके अंदर सिंपली कुछ भी नहीं होता, नर्व की डिजनरेशन नहीं होती, बल्कि जो हमारी नर्व है उसमें बेसिकली थोड़ा सा कंप्रेशन आ जाता है। ठीक है, कोई नर्व डिजनरेशन नहीं होती, एज अ रिजल्ट ऑफ एनी प्रेशर या कोई भी ब्रूजिंग हुई है उसके नतीजे में न्यूरोप्रेक्सिया हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जो नर्व है वो इनकैपेबल ऑफ कंडक्टिंग है पास द पॉइंट ऑफ लेयन, यानी जहाँ पर लेयन हुआ है उसके बाद नर्व जो है वो कंडक्शन नहीं कर पाएगी। देखें, ये एक नर्व है कंसीडर करें और इसकी यहाँ पर इस जगह पर कंप्रेशन हुआ है, तो ये चीज़ लेयन वाली है, तो नर्व इससे आगे जो है वो कंडक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसके अंदर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस किए तो नॉर्मली ये वाली जो नर्व है ये जिसको सप्लाई कर रही थी, जब हमने उस मसल के ऊपर स्टिमुलस अप्लाई किया तो मसल ने क्या किया, नॉर्मली रिस्पॉन्ड किया। इलेक्ट्रिकल रिएक्शन टेस्टेड ऑन द मसल, हमें क्या मिला, रिएक्शन जो है वो नॉर्मल मिला। लेकिन अगर हम लोग नर्व ट्रंक पे अप्लाई कर रहे हैं, नर्व ट्रंक पे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी नर्व या एक मेन नर्व जो है वो एंटर कर रही है मसल के, उसके बाद डिफरेंट उसकी ब्रांच सप्लाई कर रही है, जब नर्व ट्रंक को आप सप्लाई कर रहे हैं तो कहते हैं कि अबव द साइट ऑफ लेयन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है एक्सोनोटोमेसिस। एक्सोनोटोमेसिस को वो कहते हैं कि ये सेकंड डिग्री इंजरी है और इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो एक्सोन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा एक्सोन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके जो ऊपर वाली शीट है जिसको हम एंडोन्यूरियम कहते हैं यूजली, वो क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है, वो चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। ऑब्वियसली जब एक्सोन इसमें डीजनरेट होना शुरू हो गया तो यहाँ पर जो है कंडक्शन भी ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग को ऑल्टरेशन इन रिएक्शंस देखने को मिलती है। इसके जो है वो एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, और वो एग्जांपल क्या है, जब
ह्यूमरस के फ्रैक्चर के नतीजे में हमारी जो रेडियल नर्व है उसकी पालसी होती है या रेडियल नर्व डैमेज होती है, उस केस में हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्सोनाटोमेसिस है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूरोटोमेसिस पे। न्यूरोटोमेसिस को कहते हैं दिस इज अ थर्ड डिग्री लेयन, थर्ड डिग्री इंजरी होती है। इसमें जो हमारी नर्व होती है उसका एक्सोन भी डिजनरेट हो जाता है, उसके ऊपर वाली शीट भी डिजनरेट हो जाती है। और इसके लिए वो कहते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं आपकी नर्व ठीक हो जाए, रीजनरेशन हो जाए, तो आपने करना है कि सूचर जो है वो इसको लाजमी आपने करना है, तभी जाकर जो है वो इंजरी रिकवर होगी। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि बिलो द साइट ऑफ लेयन, यहाँ पर अगर लेयन हुआ है तो इसके नतीजे वाले जो पीछे वाले सारे नीचे वाले फाइबर्स होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा नर्व की शीथ भी इसमें अफेक्टेड होगी। और इसके एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि आपको जो है वो जब भी रिस्ट के फ्रंट पर जब हमारे अल्ना नर्व जो है वो कट हो जाती है, तो वो इसकी जो है वो एक एग्जाम्पल है इसकी न्यूरोटोमेसिस। यहाँ पर आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिकल रिएक्शन की ऑल्टरेशन प्रेजेंट होती है और उसका पैटर्न बिल्कुल एक्सोनाटोमेसिस वाला होता है कि इलेक्ट्रिकल रिएक्शन ऑल्टर हुए लेकिन वो बिल्कुल कैसे हुए, एक्सोनाटोमेसिस जैसे हुए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीनों डिग्रीज पढ़ ली। न्यूरोप्रेक्सिया में हमने पढ़ा कि इसमें पास द साइट ऑफ लेयन कंडक्शन नहीं होती, अगर आप मसल को स्टिमुलेट करते हैं नॉर्मल रिस्पॉन्स मिलता है, अगर आप नर्व ट्रंक को करते हैं तो अबव द साइट ऑफ लेयन आपको रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिलता। उसके बाद एक्सोनाटोमेसिस में हमने कहा कि इसमें भी इलेक्ट्रिकल रिएक्शन ऑल्टर हो जाते हैं क्योंकि हमारे एक्सोन कंडक्शन नहीं कर पाते। और न्यूरोटोमेसिस में हमने कहा कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल रिएक्शन है वो ऑल्टर हो जाते हैं और उनका पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होता है एक्सोनाटोमेसिस की तरह। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपकी जो एक नर्व है उसके सारे के सारे जो है वो फाइबर डीजनरेट हो गए, एक मसल को सप्लाई करने वाले सारे के सारे जो नर्व थी उसके फाइबर डीजनरेट हो गए, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग को रिएक्शन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, कंप्लीट डीनर्वेशन के मिलेंगे। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ मसल और नर्व वाले चैप्टर में पढ़ा भी कि डीनर्वेशन और में किस तरह के रिएक्शन हम लोग को मिलते हैं, तो कंप्लीट डीनर्वेशन के रिएक्शन शो करेगा एक मसल जब उसको सप्लाई करने वाली नर्व के तमाम फाइबर डीजनरेट हो जाएंगे। और अगर उसके कुछ फाइबर डीजनरेट हुए और कुछ इंटैक्ट है तो पार्शियल डीनर्वेशन का जो है वो रिएक्शन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये तो हम लोगों ने नर्व फाइबर्स का पढ़ लिया, पेरिफेरल नर्व्स की इंजरी पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं जब आपके इंटीरियर हॉर्न सेल्स इंजर हो जाते हैं, जब लेयन जो है इंटीरियर हॉर्न सेल्स में होगा, तो वो कहता है कि ये चीज़ डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ लेयन पे कि कितना ज़्यादा लेयन है। अगर तो एक मसल के जो सारे इंटीरियर हॉर्न सेल्स या उसके सप्लाई करने वाले सारे सेल्स थे वो डैमेज हो गए हैं तो हम लोग को कंप्लीट डीनर्वेशन के रिएक्शन मिलेंगे। अगर थोड़े बहुत पार्शियली डैमेज हुआ है तो हम कहते हैं कि पार्शियल डीनर्वेशन के हम लोग को रिएक्शन मिलेंगे। और उसके बाद अगर इंजरी बहुत कम सीवियर है तो चूंकि बहुत कम सीवियर है उसने इतना इफेक्ट नहीं किया मसल की कंडक्शन के ऊपर या नर्व की स्टिमुलेशन के ऊपर, किसने उसे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं किया, तो हम कहते हैं कि हम लोग को जो सारे रिएक्शन है वो नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल से ही जो एक मसल नर्व निकलती है मोटर नर्व और वो सिग्नल लेके जाती है हमारे मसल्स तक। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि अगर एक मसल के सारे के सारे इंटीरियर हॉर्न सेल डैमेज हो जाएंगे तो कंप्लीट डीनर्वेशन, अगर थोड़े बहुत डैमेज हो गए तो वो पार्शियल डीनर्वेशन। ठीक है, और अगर वो कहते हैं कि इतनी सीवियर इंजरी नहीं है तो हम कहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन हम लोग को ऑब्टेन होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कंडक्शन इफेक्ट हो गई है तो इस केस में आप इलेक्ट्रिकल रिएक्शन को किस तरह देखेंगे, तो बुक में वो एक सिंपल सी बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल रिएक्शन वाला जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल या इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसकी एक एग्जाम्पल उसने दिया मायसेंथिया ग्रेविस की, जो कि ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारे पास जो एसिटाइल कोलीन है वो क्या हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उसकी वो अफेक्ट होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, एक ऑटोइम्यून टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, मसल वीकनेस इसमें हो जाती है लेकिन एट्रोफी नहीं होती। अब इसके अंदर चूंकि मसल वीकनेस हो जाती है तो हमारे और मसल वीकनेस क्यों होती है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है। ठीक है, और नर्व की कंडक्शन इस पॉइंट पे इफेक्ट होती है कि आगे तो नर्व जा ही नहीं सकती। उसके बाद आते हैं मस्कुलर लेयन। अगर आप देखिए ये सारा हम लोगों ने नर्व रिलेटेड इशू पढ़े, अब अगर आपके एक मसल में लेयन हो गया तो वो कहते हैं कि अगर तो आपकी कोई भी मोटर नर्व डिजनरेट नहीं हुई, अगर आपके किसी भी मोटर नर्व में डिजनरेशन नहीं हुई तो आप कहते हैं कि हमें जो भी रिएक्शन ऑप्टेन होंगे वो रिएक्शन नॉर्मल होंगे क्योंकि हमारी मोटर नर्व इफेक्ट नहीं हुई। लेकिन अगर ये इंजरी इतनी सीवियर है कि वो आपके मसल टिशू को इफेक्ट कर दे, यानी मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को इफेक्ट कर दे, तो आप कहते हैं कि हम लोग को कोई रिएक्शन जो है वो ऑप्टेन नहीं होगा। जैसे कि हम लोग को कोई भी मसल स्टिमुलस सप्लाई होगा, मसल उससे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, किसी की उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर में होते हैं, ये लास्ट स्टेज ऑफ मायोपैथिस में हम लोग को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर, जिसके अंदर हिस्टेरिकल पैरालिसिस का उसने बताया हुआ। हिस्टेरिकल पैरालिसिस इस तरह का पैरालिसिस होता है जिसमें अपेरेंटली हमारी नर्व डैमेज नहीं होती बल्कि ये हमारे साइकोलॉजिकल और हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो हमारे पास सिस्टम है उसका ये एक अजीब सा इफेक्ट है। ठीक है, उसको हम कहते हैं हिस्टेरिकल पैरालिसिस है, फंक्शनल पैरालिसिस है। और इसके अंदर वो कहते हैं कि चूंकि नर्व के अंदर कोई ऑल्टरेशन नहीं हुई तो कोई भी ऑल्टरेशन हम लोग को रिएक्शंस में देखने को नहीं मिलती। अब हमारे पास आती है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है डीनर्वेशन। ठीक है, यानी एक मसल की जो नर्व थी वो बिल्कुल ही डीजनरेट हो गई, एक मसल को सप्लाई करने वाली नर्व। देखिए, आपकी नर्व को डैमेज हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डैमेज डीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए बुक में वेलेरियन डीजनरेशन का एक वर्ड है वो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, डीजनरेशन के नतीजे में हमारी जो नर्व है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है एक मसल को सप्लाई करने के लिए और ऑल्टर्ड रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्लीटली डीजनरेट होने में एक नर्व को टोटल जो है वो 14 डेज का एक्स्ट्रा लगता है।
तो अब आप इस 14 डेज के अरसे से पहले ही एक नर्व की स्टिमुलेशन करते हैं, यानी अगर आपको कंसीडर है कि इस मसल की जो नर्व है वो ख़राब होगी, यहाँ पर जी इंजरी है, आप उसको 14 दिन से पहले फ़ौरन ही आप उसको जो है वो क्या कर लेते हैं, स्टिमुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो नर्व की डीजनरेशन हुई नहीं, डीजनरेशन के बाद ही रिएक्शन ऑल्टर होंगे ना, डीजनरेशन वाला स्टेप तो हुआ ही नहीं। तो आप कहते हैं कि इस केस में हम लोग को सारे के सारे रिएक्शन जो है वो नॉर्मल मिलेंगे, रिएक्शन में कोई ऑल्टरेशन नहीं होगी, नो डीजनरेशन अंटिल 3 वीक्स, नो रिएक्शन ऑल्टर हम लोग को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आप 3 से 4 वीक्स बाद करते हैं तो आपको जो रिएक्शन मिलेंगे वो कंप्लीट डीनर्वेशन के मिलेंगे, क्योंकि हमारी नर्व उस टाइम कंप्लीटली डीजनरेट हो चुकी होगी। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो कहते हैं कि अगर आप अब हम क्या करें, अब हम 14 दिन का बैठ के इंतजार करें, वो कहते हैं इतनी भी ज़रूरत नहीं है, आप एक नर्व की इंजरी को चेक करें, आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद तकरीबन आपने कुछ और दिन बाद उसको चेक किया तो आपने नोट किया नर्व के जो रिएक्शन हैं वो स्लाइटली चेंज हुए, मुकम्मल तौर पर वो चेंज नहीं हुए। उसके बाद आपने कुछ और दिन बाद नोट किया, तकरीबन 1 या 2 वीक बाद आपने उसको नोट किया तो आपने देखा कि हमारी जो नर्व है उसने तो रिएक्शन शुरू कर दिया पार्शियल डीनर्वेशन के, यानी आपको पता चल गया कि यहाँ पर नर्व की इंजरी वाकई हुई है, फाइबर्स वाकई डीजनरेट होना शुरू हो गए। लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते कि कितने फाइबर डीजनरेट हो चुके हैं और कितने बच गए हैं, और फिर आपको अल्टीमेटली आप कुछ और दिन बाद उसको चेक करेंगे तो कंप्लीट डीनर्वेशन के रिएक्शन होंगे और वो आपको ये शो करेंगे कि कितना सीवियर डैमेज हो चुका है। अगर हम बुक से देखें तो पहले हम लोगों ने 3 बातें यहाँ पर डिस्कस की, डायग्नोसिस और एक्सटेंट ऑफ लेंगन में इंपॉर्टेंट होती है, अपर मोटर न्यूरॉन लेंगन जो भी सारी इंजरीज थी वो हम लोगों ने देखी। उसके बाद कौन कौन से पॉइंट जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि एग्जिट ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल से लोअर मोटर न्यूरॉन्स को और मसल को हम एक्सेस कर सकते हैं, जबकि एंटीरियर हॉर्न सेल्स और अपर न्यूरॉन्स को नहीं कर सकते। उसके बाद अपने अपर मोटर न्यूरॉन लेंगन पढ़े कि हमारी जो नर्व है वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाएगी, बाकी रिएक्शन जो है वो नॉर्मल होंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 चीज़ें होती है, पेरिफेरल नर्व जिसकी हम लोगों ने इंजरी पढ़ ली, न्यूरोप्रेक्सियोनोटोमिसिस और न्यूरोटोमिसिस। उसके बाद हम लोगों ने एंटीरियर हॉर्न सेल्स का पढ़ा कि ये जो सेवेरिटी पे डिपेंड कर रही होती है कि रिएक्शन ऑल्टर होंगे कि नहीं। फिर हम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ा जिसमें मेसेंटेरिया ग्रेविस को पढ़ा। मस्कुलर लेंगन में हमने पढ़ा तो अगर चूंकि डिजीज मसल किया तो क्योंकि मसल डीजनरेशन और मोटर नर्व नहीं हुई, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन नॉर्मल मिलेंगे। फिर हम लोग फंक्शनल डिसऑर्डर पर आगे हमने कहा कि एक मसल की वोलेंट्री पावर कम हो जाती है स्टेरिकल पैरालिसिस में, लेकिन रिएक्शन में हम लोग को कोई ऑल्टरेशन नहीं मिलती। फिर हम लोग आगे रिएक्शन ऑफ डीनर्वेशन में हमने कहा कि तकरीबन 14 दिन लगेंगे एक मसल को कंप्लीटली डीनर्वेट होने में, अगर हम उसको जो है वो बिलो द साइट ऑफ लेंगन बिफोर डीजनरेशन अप्लाई करेंगे रिएक्शंस क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर हम लोग उसको 3 से 4 वीक बाद करेंगे तो हम लोग को कंप्लीट डीनर्वेशन के रिएक्शन मिलेंगे, क्योंकि नर्व डीजनरेट होगी। अगर आप इससे पहले 14 दिन के अरसे से पहले कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो भी हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल मोटर ट्रंक को स्टिमुलेट करें तो मोटर ट्रंक क्या होती है, ऐसी जो नर्व है वो जिस चीज को सप्लाई करेगी ना, जितने मसल्स को उसकी ब्रांचेस सप्लाई करी होंगी, जब आप उस पर स्टिमुलेट करते हैं ना तो सारे के सारे मसल जिसको सप्लाई करी होती है वो एज एज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो ये चीज इसने बताई। उसके बाद इसने कहा अगर नर्व की डीजनरेशन होगी या फाइबर्स की जो 3 से 4 दिन हम देख सकते हैं तो हम लोग देखेंगे रिस्पांस कम हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि पार्शियल डीनर्वेशन की रिएक्शन हो गया तो हम कहेंगे डीजनरेशन जो है वो हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है वो हम नहीं देख सकते, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो नर्व कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसके अंदर चीज ये याद रखी है कि कौन सी इंजरी में किन लायंस में किस तरह की इंजरी हो रही है और किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, और न्यूरोप्रेक्सिया और एक्सोनोटोमिसिस और न्यूरोटोमिसिस ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको आना चाहिए।